चीज बनाने वाले होते हैं तब देखिए कि इन बोतलों के ढक्कन से हम कटिंग बोर्ड कैसे बनाएंगे। जाहिर है सबसे पहले हमें इन्हें पिघलाना होगा। टोस्टर का बहुत अजीब इस्तेमाल है पर काम तो हो ही जाता है। चलिए एक और परत जोड़ते हैं। ये तो बिल्कुल टोस्ट पर चीज लगाने जैसा हुआ। और चलिए अब इन्हें माइक्रोवेव से भी निकाल देते हैं। अब पिघले ढक्कनों को एक ओवन प्रूफ डिश में डाल रहे हैं। कुछ और स्प्रिंकल्स छिड़कने तो बनते ही हैं। पर अभी और प्लास्टिक की जरूरत है तो अब वक्त है एक और टोस्ट बनाने का। बाकी प्लास्टिक को भी दबा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ब्राउनी बना रहे हैं। वैसे अच्छा है कि हमें वीडियो से महक नहीं आती, नहीं तो ये पिघलते प्लास्टिक की बदबू सहन करना मुश्किल हो जाता। अब इस अजीब से मिक्सचर को माइक्रोवेव से निकाल कर देख रहे हैं। अब सब पिघल गया है, ये तो आटा गूंदने जैसा है। अब रोटी मत बना लेना इसकी। तो इस चीज को कटिंग बोर्ड में कैसे बदला जाएगा? अब वक्त है इसे जोर से दबाने का। पिघले प्लास्टिक को मोल्ड में डालकर इसे हाइड्रोलिक प्रेस से दबाया जाएगा। जरा देखिए तो सारे रंग मिलकर एक मार्बल इफेक्ट दे रहे हैं। इससे बनेगा एक शानदार कटिंग बोर्ड। अब इसे साफ करके काटा जा रहा है। अब इसे सैंडर के नीचे से गुजार रहे हैं ताकि ऊपर से इसे समतल किया जा सके। लगता है काफी प्लास्टिक निकला है पर फिक्र की कोई बात नहीं, इसे हम किसी और प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। किनारों को संभाल कर काटना भाई, बहुत ज्यादा कट जाएंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। क्यों ना इन कोनों को भी गोलाकार बना दिया जाए, बढ़िया लग रहा है। किनारों को भी ऐसे ही चिकना बनाया जा रहा है। इसे कहते हैं प्रोफिनिश। वैसे प्रोफिनिश से याद आया, हमें इस सतह का कुछ करना होगा। चलिए मेरे दोस्तों को हाय बोलिए, पावर सेंडर से ये काम जल्दी हो जाएगा। अब आगे क्या है? ये काम आसान नहीं लगता। अपना हथियार चुन लीजिए। ये क्या है? ओ बढ़िया है, इससे वो लाइन बना रहे हैं जो हर कटिंग बोर्ड पर होती है। ये जूसेस के लिए होती है जब आप फल या ऐसी ही कोई चीज काट रहे होते हैं। लगता है ये तो शुरुआत कर रहे हैं। इसमें एक छेद को भी ठीक करना है। अच्छा है कि हमने पहले वो प्लास्टिक बचा लिया था। चलिए इसे कवर कर देते हैं। उम्मीद है इससे ये खराब नहीं होगा। उम्मीद है कि घिसकर हम इसे समतल बना लेंगे। फिर इन बड़े मार्शमेलोस से इसे चमकाएंगे। थोड़ी और सैंडिंग और पॉलिशिंग और हमारा कटिंग बोर्ड बढ़िया दिख रहा है। अब आप फिनिश प्रोडक्ट के लिए तैयार रहिए। नीचे का हिस्सा और किनारे मत भूल जाना। और काम हो गया, घर का बना कटिंग बोर्ड जो बना है रिसाइकल्ड बॉटल टॉप्स का। सच में काफी बढ़िया है। क्या आपको भी रिसाइकलिंग उतनी ही पसंद है जितनी हमें पसंद है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और फॉलो बटन भी दबा देना।